एवरीवन एंड वेलकम टू द बेवरेज क्लास। आई एम योर होस्ट विजय कुमार एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है विस्की एंड विस्की। तो इन दोनों में बस एक स्पेलिंग का डिफरेंसेस है, वो है ई। और ये जो स्पेशल ई है ये क्यों लगाया जाता है वो शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे विस्की के बोतल्स में देखा होगा WHISKY लिखा होता है और बहुत सारे बोतल पे WHISKEY लिखा होता है। जैसे कि ये जो है ये शिवास रिगल 12 ईयर्स है, इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा WHISKY लिखा हुआ है। और ये जो है हमारा जैक डैनियल है, इस पर लिखा हुआ है WHISKEY। तो ये क्यों लिखा हुआ है ये शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इसको क्यों लिखा जाता है। तो ये जो डिफरेंसेस है, ये जो ई का जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस क्रिएट करता है। तो इसका क्या रीज़न है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो इफ यू आर वर्किंग इन F&B सर्विस देन यू मस्ट नो द डिफरेंसेस बिटवीन विस्की एंड विस्की। क्योंकि यूजुअली जब हम लोगों का ब्रीफिंग होता है तो जो हमारे सीनियर होते हैं वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसका डिफरेंसेस इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस होता है, या फिर और भी बहुत सारा जो क्वेश्चन होता है वो कुछ भी पूछ लेते हैं जो हमारे सीनियर होते हैं। तो उस समय जब हम लोगों को इसके बारे में अगर जब भी कोई क्वेश्चन अगर हमारा सीनियर पूछता है वो अगर हमको पता नहीं होता है तो वो तरह तरह के बातें हम लोगों को सुनाने लगते हैं जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा विस्की और विस्की के डिफरेंसेस के बारे में। और या फिर जैसे कि कभी कभार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है तो अगर आप लोगों को पता रहेगा तभी आप जवाब दे पाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि विस्की और विस्की का डिफरेंसेस जो होता है वो क्या होता है। विस्की एंड विस्की दो डिफरेंसेस मेजरली है। पहला तो है स्पेलिंग का जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और दूसरा जो है वो है टाइप्स का, यानी कि टाइप्स ऑफ विस्की का, जो शो करता है अलग रीजन का या आप कह सकते हैं अलग कैटेगरी का। तो पहले हम लोग स्पेलिंग का बात करेंगे। विस्की जो है यूजुअली स्कॉच या स्कॉटिश पीपल लोग यूज़ करते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि इंडियन, कैनेडियन, जापनीज, हम सब लोग यूजुअली विस्की वर्ड ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है एक रेगुलर वर्ड है। और जो विस्की वर्ड यूज़ करता है वो जो करता है आइस विस्की और बर्बन विस्की। तो अब इतना तो हो गया कि अगर आपको किसी भी विस्की वर्ड में एक्स्ट्रा ई दिखाई देगा तो आप एटलीस्ट कंसीडर कर पाएंगे कि आइदर ये आयरलैंड का विस्की है और बर्बन का विस्की है। अब वो लोग एक्स्ट्रा ई क्यों लगाते थे तो इसका जो कारण है वो ये था कि जो कंपनियां थी, जो आयरलैंड और अमेरिकन विस्की कंपनियां थी जो विस्की प्रोड्यूस करते थे, तो वो लोग के जो मैक्सिमम ऑथर्स थे वो लोग अक्सर क्या करते थे कि जो उन लोगों का तरीका होता था विस्की बोलने का, जो उनका जो टेक्निक होता था वो अपनी टेक्निक को अपने बुक में लिख कर रखते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको यहाँ पर ये दो वर्ड दिख रहा है कलर एंड कलर, ये दोनों वर्ड सेम है बट इसका जो स्पेलिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है। बस ऐसा ही कुछ इनके साथ भी है। जैसे कि हमारे जो इंडियन लोग हैं अगर वो विस्की बोलेंगे तो डेफिनेटली जो स्कॉटिश पीपल है या जो अमेरिकन पीपल है वो जब बोलेंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा अलग ढंग से बोलेंगे। तो इसलिए जो इनका जो एक्स्ट्रा ई लिखने का जो टेक्निक था इस वजह से वो सामने आया। और जो नेक्स्ट रीजन है वो है टाइप्स ऑफ विस्की का। अब ये टाइप्स ऑफ विस्की क्या है, तो स्कॉच विस्की एक टाइप है, कैनेडियन विस्की एक टाइप है, जापनीज विस्की एक टाइप है, टेनिसिस विस्की एक टाइप है, क्योंकि इन सब का कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ अलग अलग टेक्निक्स होते हैं विस्की बनाने का, इसलिए हम इसे टाइप्स ऑफ विस्की कहते हैं। अब जो कंपनियां जो एक्स्ट्रा ई लगाता है जैसे कि आयरिश विस्की और बर्बन विस्की, तो इसका क्या अलग टाइप है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर बात करें आयरलैंड का तो जब आयरिश विस्की बनता है तो उसमें एक स्पेशल टेक्निक को अप्लाई किया जाता है और वो है 3 टाइम डिस्टिलेशन प्रोसेस।
यूजुअली जब स्कॉच विस्की बनता है तो वो सिर्फ 2 टाइम डिस्टिलेशन होता है, और जो आयरिश विस्की होता है वो हमेशा 3 टाइम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। और जब आयरिश विस्की बनता है तो वो सिंगल बैचेस में बनता है पॉट स्टिल मेथड के साथ। इसलिए अमेरिकन भी अपने विस्की में ई लगाना पसंद करते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे अमेरिकन विस्की है जिसमें कि जो स्पेलिंग है वो सिंपल स्कॉटिश स्पेलिंग विस्की ही लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मेकर्स मार्क विस्की, ये भी एक बर्बन विस्की है, पर इसमें एक्स्ट्रा ई नहीं लगाया जाता है। बहुत लंबा टॉपिक है, अगर मैं ऐसे बोलता रहूँगा तो शायद शाम भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और भी बाकी विस्की के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से बाकी टॉपिक को भी अच्छे से लाऊं और आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।